हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू टीम आईएएस यूट्यूब चैनल। होप आपकी 69 बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कंप्लीट होगी एंड प्लीज डू एंश्योर दैट यू रिमेन कॉन्फिडेंट व्हाइल अपीयरिंग इन द एग्जाम। टीम आईएएस यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। प्लीज डू वेल, डू अंडरस्टैंड दैट जो लास्ट मोमेंट का देयर इज वन आस्पेक्ट दैट इज क्विक रिविजन। कुछ कुछ ऐसे एरिया जहां से बीपीएससी ऑलमोस्ट श्योर रहता है कि वहां से क्वेश्चन पूछता है, अगर आप उसको लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा स्कैन कर जाएंगे, इट विल टेक यू हार्डली अबाउट एन आवर और टू, इट वॉन्ट टेक मोर देन दैट। तो इसमें जो है अभी हम लोग बिहार राज्य संबंधित कुछ जो एरिया है उसके बारे में बात करते हैं जहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि बिहार स्पेसिफिक जो एरिया है, स्टेट स्पेसिफिक, यहाँ से लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं पिछले 6-7 एग्जाम को अगर आप ले लें। तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन एरिया से क्वेश्चंस की हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड को देखें तो यही पाते हैं कि इन एरिया से बार बार सवाल रहता है, तो इस बार भी सवाल आने की पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री सब्जेक्ट। प्लीज अंडरस्टैंड कि बिहार स्पेसिफिक जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है इसका पोर्शन या रादर पॉइंट्स बहुत कम है, छोटा सिलेबस है, आपको ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। कुछ कुछ एरिया जैसे कि महाजनपद, खास करके बिहार स्पेसिफिक जो महाजनपद है, 3 महाजनपद, देन मौर्य वंश को एक बार चेक कर लीजिएगा, छोटा पोर्शन है ये, देन एंशियंट इंडिया में यू हैव द गुप्तास यानी कि गुप्त वंश, अर्ली मेडिवल पीरियड में पाल वंश को एक बार चेक कर लीजिएगा चूंकि ये बिहार से रिलेटेड है, फिर शेरशाह जो कि मेडिवल पीरियड में, प्लीज चेक इट आउट, मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न बिहार में कुंवर सिंह को प्लीज चेक इट आउट जिसमें कि 1857 रिवॉल्ट और बिहार की उसमें क्या भूमिका थी उसको एक बार देख लीजिएगा, छोटा पोर्शन है, ज्यादा आपको उसमें पॉइंट नहीं मिलेंगे। फिर बिहार कांग्रेस की जो एक्टिविटी थी उसको देख लीजिएगा और साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस बिहार में हुए हैं, एनुअल सेशंस जो बिहार में हुए हैं, 3 सेशंस वर हेल्ड, यू अंडरस्टैंड, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके अलावा पर्सनालिटी में जो बिहार से लिंक हैं जैसे कि स्वामी सहजानंद जी और जयप्रकाश नारायण जी, इनको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से बीपीएससी बार बार सवाल पूछता रहा है। फिर चंपारण सत्याग्रह को एक बार चेक कर लीजिएगा और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। प्लीज अंडरस्टैंड यह पोर्शन बहुत ही छोटा है, ज्यादा पॉइंट्स इसमें नहीं है, लेकिन चूंकि इनसे सवाल बार बार आते हैं तो एक बार आप इसको स्कैन कर लीजिएगा लास्ट मोमेंट में, तो इट विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द एग्जाम हॉल। देन इफ यू टॉक अबाउट अर्थव्यवस्था बिहार के संदर्भ में देखिए, तो 3 टॉपिक जहां से सवाल की सियोरिटी ऑलमोस्ट बन जाती है, पहला है बिहार का बजट जो कि 2023-2024 का बजट हो गया, इसको देख लीजिएगा, छोटा पोर्शन है, ज्यादा इसमें पॉइंट्स है नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो 2022-2023 बिहार का देख जाइएगा, इसमें भी ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, और जनगणना 2011 को एक बार देख लीजिएगा। फैक्ट्स हैं, एग्जाम के पहले पहले तक इसको जरूर देखिएगा क्योंकि फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो इट्स नॉट ईजी टू रिमेम्बर, इसीलिए एक बार इसको स्कैन कर जाइएगा। भूगोल की बात करें तो बिहार के मैप को जरूर एक बार देख जाइएगा और उसमें जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, खास करके जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स विद नेपाल, यूपी, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, उसको अच्छे से देख जाइएगा। बिहार की नदियां उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, उत्तर बिहार की नदियां, दक्षिण बिहार की नदियां, कई बार ये सवाल पूछा है और ये ईजी है इसको आंसर करना। फिर बिहार की मिट्टी देख जाइएगा, बहुत ही छोटा पोर्शन है, बहुत कम पॉइंट्स हैं इसमें, प्लीज रिवाइज इट। फिर बिहार का कृषि, बहुत कम पॉइंट्स इसमें भी हैं, जो अपडेटेड डेटा है उसको प्लीज चेक करिएगा। बिहार का खनिज, ये स्टैटिक पोर्शन है, इसको एक बार देख जाइएगा, और उद्योग भी जो है लगभग स्टैटिक पोर्शन है, इसको एक बार स्कैन थ्रू कर जाइएगा। फिर हम लोग आते हैं करेंट अफेयर्स जो कि बहुत ही क्रूशियल ये एरिया है बिहार के संदर्भ में, तो इस बार G20 समिट को देख जाइएगा, समिट बैठक में बिहार के संदर्भ में देख जाइएगा। और पुरस्कार में याद रखिए कि इस बार का पद्मश्री जो है किनको किनको दिया गया है, खास करके बिहार से 3 लोग हैं, कौन कौन हैं आप उनको देख लीजिएगा, 3 पीपल हैव बीन कंफर्ड विद दिस अवार्ड। देन बिहार के संबंध में स्पोर्ट्स को एक बार चेक कर लीजिएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स भी ज़्यादा नहीं है, आपको 8 या 10 स्कीम है जिसमें कि एग्रीकल्चर रोड मैप इज देयर,
देन यू हैव 7 निश्चय पार्ट 2, तो इसको देख लीजिएगा। और वो जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनकी विशेषताएं और उनका लक्ष्य क्या है उसको एक बार स्कैन थ्रू कर जाइएगा। और प्लेसेस एंड पर्सन्स इन न्यूज, इसमें भी ज्यादा पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे जो बहुत ही क्रूशियल हैं, उनको आप एक बार देख जाइएगा। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड टू राजव्यवस्था की बात करें तो इसमें जो है चुनाव, जो हाल फिलहाल में बिहार में पंचायत चुनाव और म्यूनिसिपैलिटी का जो चुनाव हुआ है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को जरूर देखिएगा। उसके अलावा जो है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, महाधिवक्ता और विधानसभा और विधान परिषद से जुड़े जो भी रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनको एक बार चेक करिएगा। होपफुली ये जो टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा किए हैं इन्हीं से आपको बिहार स्पेसिफिक बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। इसका रीजन यह है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न जो है उस हिसाब से देखा जाए तो यही एरिया को बार बार बीपीएससी हिट करता है। देयर फोर इट कैन बी एक्सपेक्टेड कि दीज एरियाज वुड फेच यू वेरी गुड मार्क्स। आपको आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। हम कल फिर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे और आपकी तैयारी को आसान करने का प्रयास होगा। कीप ऑन स्टडिंग, बी हैप्पी।